नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रश्मि और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया करें, सरल लगा करें, इजी लगा करें, आपके काम के हों, तो उन्हें लाइक कर दिया करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि वो आपको कैसे लगते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ 5 टिंडे हैं फ्रेंड्स, जिनको मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है और इस तरह का कट लगा लिया है। देखें कि नीचे तक लगाना है लेकिन इसको अलग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है और ये 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसका मैंने पेस्ट बनाकर तैयार किया है। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक किस तरह से कटोरी लेंगे जिसमें हम मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ये सौंफ का पाउडर है, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। अगर सौंफ आपको पीसने में दिक्कत हो रही हो कूटने में, तो इसे आप थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, नमक डालेंगे इसे भी स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें भर लेंगे इस तरह से लेकर चम्मच की ही मदद से। ये सूखा मसाला इस तरह से और इस साइड भी अच्छे से भर दीजिएगा। इसी तरह से सभी टिंडे हम भर कर रेडी करेंगे। इसमें तेल या पानी कुछ नहीं डालना है, इसे हम सूखा ही रखेंगे अभी। अच्छे से भरेंगे तो इस तरह से भर कर आपके रेडी होंगे टिंडे। तो टिंडे तो मैंने भर लिए हैं और थोड़ा सा ये मसाला बच गया है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं कढ़ाही में बनाऊंगी, आप पैन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे, लगभग 4 टेबल स्पून। तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा तभी टिंडे की सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हींग और जीरा डाल देंगे, 1 चुटकी हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से कड़क जाएगा तो ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था इसे डाल देंगे, और प्याज को हम भूनेंगे, इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। जब ये हल्का सा 10-20 सेकंड के लिए हो जाएगा प्याज मिक्स अच्छे से ऑयल में, तो हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सरसों का तेल लिया है, आप अपना मनपसंद तेल यूज कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, कच्चेपन की खुशबू नहीं आनी चाहिए। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच या ज़रूरत के हिसाब से हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर और नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है यहाँ पर कलर के लिए। जो सूखा मसाला बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी तीखे के लिए मिर्च का पाउडर यूज़ किया था, और जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने टमाटर में भी हरी मिर्च पीसा हुआ था। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में इसकी कच्चेपन की महक आएगी जो बिल्कुल ठीक नहीं होगी हमारी सब्ज़ी के लिए। साथ ही साथ हम बचा हुआ जो मसाला था भरावन वाला उसको भी डाल देंगे, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इस तरह से सेंटर में इकट्ठा होने लगेगा और तेल छोड़ने लगेगा, तभी हमारा अच्छे से मसाला भून कर और पक कर रेडी होगा। जब ये अच्छे से प्याज हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर का यानी कि प्यूरी या पेस्ट, और सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है। इसे भी बहुत अच्छे से हमें भूनना है जिससे कि सारा इसका मॉइस्चर निकल जाए और कच्चेपन की एक भी खुशबू ना रहे, और हमें एक अच्छा सा मसाला, खुशबूदार मसाला हमें मिल सके। तो देख रहे हैं टमाटर भी पक गया है और कुछ इस तरह से ये भी गाढ़ा हो जाएगा। बराबर चलाते हुए और मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम में आप ध्यान रखें कि जलने ना पाए, और मसाला अच्छे से रेडी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच। इसे आप पहले भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैंने टिंडे के अंदर नहीं भरा है कि जिससे कि टिंडे को पकने में दिक्कत ना हो।
मसाला लगभग तैयार हो चुका है, तो मैं इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डालूंगी, क्योंकि टिंडों को पकने में टाइम लगेगा। साबुत है यानी कि स्टफ्ड टिंडे हैं, तो इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और नमक यहाँ पर ज़रूर आप टेस्ट करिएगा, कम लगे तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ हम 2 बार नमक डाल चुके हैं इसमें, तो नमक का ख़ास ख्याल रखें। इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी, तो लगभग 1 गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे बॉईल पर आने देंगे, जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो हम इसमें टिंडे प्लेस कर देंगे, यानी कि इस तरह से अपने टिंडे रख देंगे ऊपर की तरफ को ही करते हुए। जितने भी टिंडे हों आपके पास में, आप ज़्यादा सूखा बनाना चाहते हैं तो बाद में पानी को सुखा दीजिए, और ग्रेवीदार बनाना चाहते हैं तो पानी उसी हिसाब से ज़्यादा डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा हम ये ग्रेवी डाल देते हैं ऊपर से, जिसके कि ये इसके अंदर जो हमारे ये गैप्स हैं, जो कट लगाए थे, उनके अंदर भी चला जाए। और इसे ढक दीजिए करीब करीब 10-15 मिनट के लिए, मीडियम टू स्लो फ्लेम में आराम से पकने दीजिए। दस से 15 मिनट के बाद में मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अगर आपको बीच में लगे कि पानी आपका कम पड़ गया था और पानी सूखने लगा है, तो आप बीच में भी पानी इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टिंडों को मैं पलट दूंगी, जिससे कि ये नीचे से भी अच्छे से पक जाए। और बस हमें इसी तरह से इन्हें ज़्यादा नहीं उलटना पलटना है, इससे ये टूट भी सकते हैं। और बस इसी तरह से अब हम इन्हें धीमी आंच पर या मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते हैं। टिंडों का अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है, तो लगभग 15 मिनट के लिए ही मैंने दोबारा से भी पकाया था। आप इसमें कोई कांटा या चम्मच डालकर देख सकते हैं टिंडा पका है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरह की ग्रेवी रखी हुई है, मेरे टिंडे बनकर रेडी हैं। मैंने गैस कर दी है ऑफ। अब इसमें हम हरा धनिया ऊपर से छिड़क देंगे, हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी है। और कर दीजिए मिक्स, इसे आप पूरी पराठा या चपाती किसी के भी साथ आप इसे सर्व कीजिए। सौंफ का पाउडर डालना यहाँ बिल्कुल मत भूलिएगा आप, सौंफ का पाउडर 1 से 2 चम्मच, उसकी वजह से सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद कर रही हूँ टिंडे की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में लिखकर बताइए आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।